ओके सो दिस इज द पैकेट आई गॉट फ्रॉम फायरबोल्ट एंड ये वाला एक वारंटी क्लेम करने के बाद आया है। इसके अंदर है फायरबोल्ट टॉक 2 का स्मार्ट वॉच जिसको मैंने कुछ दिन पहले परचेस किया था एंड उसका स्पीकर में कुछ दिक्कतें आ गई एंड उसके वजह से उसका ब्लूटूथ कॉलिंग काम नहीं करता था यानी स्पीकर में साउंड नहीं आता था। तो उसके बाद हमने उसका वारंटी क्लेम किए एंड आज ये वाला पैकेट हमारे घर पे डिलीवर हुआ है। एंड अगर आप भी फायरबोल्ट से अपने स्मार्ट वॉच मंगवाए हुए एंड उसमें भी दिक्कत आ गई है तो कैसे वारंटी क्लेम करना है हम बताएंगे दोस्तों, सारा कुछ डिटेल्स में बताएंगे आज। बट लेट्स अनबॉक्स दिस आइटम फर्स्ट। ओके सो दिस इज द वॉच फायरबोल्ट टॉक 2 एंड जिसके हम वारंटी क्लेम किए थे एंड आफ्टर रिप्लेसमेंट एक्चुअली रिप्लेस हुआ नहीं है बट आफ्टर वारंटी क्लेम ये वाला स्मार्ट वॉच आया है। दिस इज द सेम वॉच एंड एक्सेसरीज भी इसके अंदर सेम रहना चाहिए। सो दिस इज द पावर केबल एंड दिस इज द यूजर मैनुअल एंड ऑल्सो इसके साथ फायरबोल्ट का बोल्ट प्ले मेंबरशिप का कार्ड मिलता है, एक बुक माई शो का वाउचर कार्ड, फ्री गाना सब्सक्रिप्शन फॉर 3 मंथ्स एंड एक वारंटी कार्ड अगेन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो अभी ओपन कर लेते हैं इस वाले वॉच को। दिस इज द वॉच आप देख सकते हो एकदम ब्रांड न्यू हमारे पास आया है। ओके सो नाउ लेट्स टर्न इट ऑन। आई थिंक इसमें चार्ज खत्म हो गया तो हमको पहले इसको चार्ज करना है, उसके बाद हम आपको टर्न ऑन करके बताते हैं। ओके सो हमने घड़ी को चार्ज कर लिया है एंड ये टर्न ऑन हो चुका है एंड ऑल्सो हम इसे अपने मोबाइल ऐप से भी कनेक्ट कर चुके हैं। ओके सो पहले वाले में जो दिक्कत था वो था इसमें साउंड आना बंद हो गया था एंड इसका स्पीकर खराब हो चुका था। इस वाले में वो वाला चीज हम चेक कर लेंगे। तो मैं यहाँ से कोई एक गाना प्ले कर लेता हूँ। तो अभी जो साउंड आ रहा है वो आ रहा है मेरा ये वॉच से, आप सुन सकते हो। यानी स्पीकर इसके साइड एंड से काम कर रहा है। ओके इस वाले घड़ी के सेटअप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि सेम चीज है वो मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना के रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। बट आज इस वाले वीडियो में हम सिर्फ बताएंगे कैसे आपको वारंटी के लिए क्लेम करना है, क्या क्या प्रोसेस रहेगा एंड कितने दिन बाद आपके पास ये स्मार्ट वॉच आएगा एंड रिप्लेसमेंट के लिए क्या चीज देना है या फिर देना भी पड़ेगा या फिर नहीं, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो रिप्लेसमेंट की बात करें तो कुछ कुछ केस में ऐसा होता है आपके पास जो पुराना डिवाइस है जो फॉल्टी हो चुका है जिसके आप वारंटी क्लेम कर रहे हो वो वाला डिवाइस कभी आपका पिकअप करने आता ही नहीं, आपको एक नया डिवाइस भेज दिया जाता है। यानी आपके पास एक्चुअली 2 डिवाइस हो जाएगा, जो आप पहले यूज करते थे फॉल्टी हो चुका है एंड जो है नया वाला डिवाइस है वो नया वाला डिवाइस आपके पास आ जाएगा। बहुत लकी हो तो ऐसा भी हो जाएगा, इन माई केस ऐसा ही हुआ है, मेरे से पुराना वाला डिवाइस नहीं लिया गया एंड नया वाला डिवाइस कुरियर के थ्रू आ चुका है। ओके सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वारंटी कैसे क्लेम करते। पहले बात तो अपने फोन में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, आप चाहे तो ये अपने पीसी और लैपटॉप से भी कर सकते हो। तो फर्स्ट आपको सर्च करना है फायरबोल्ट एंड आपको डायरेक्टली जाना है फायरबोल्ट के पेज पे जो है www.firebolt.com। ओके इस वाले पेज का लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में देके रखूंगा, चाहे तो आप वहां से डायरेक्टली क्लिक करके भी जा सकते हो, फिर भी मैं दिखा देता हूँ कैसे जाना है। ओके नाउ स्क्रीन इज विजिबल। तो सबसे पहले फायरबोल्ट की वेबसाइट में जाके सबसे आपको नीचे पहुंचना है एंड यहाँ पर आपको सपोर्ट दिखेगा, यहाँ पर जाके सपोर्ट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड एक कंप्लेन दिखेगा। ओके यहाँ पर क्लिक करना है। ओके सो उसके पहले मैं बता देता हूँ इसके साथ जो वारंटी कार्ड आता है, चाहे आप वो ऑनलाइन में रजिस्टर पहले किए हो या फिर नहीं किए हो, आप डायरेक्टली वारंटी क्लेम कर सकते हो। अगर आपने पहले से अपने वारंटी के लिए रजिस्टर करके रखे हो ऑनलाइन में देन वेल एंड गुड, अगर नहीं किए हो फिर भी आप ये चीज कर सकते हो। ओके आपको एक कंप्लेंट रजिस्टर करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है वारंटी सपोर्ट। इसके बाद आपको नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्टर अ कंप्लेंट दिखेगा। ओके इस पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर सबमिट ए टिकट दिखेगा, यहाँ पर आपको सारे वो डिटेल्स फिल करना है जो भी चीज चाहिए। फिर मैं दिखा देता हूँ क्या क्या चीज आपको चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट आपको इस वाले फील्ड में आपका ईमेल एड्रेस डाल लेना है, नेक्स्ट है फोन नंबर, आपका जो फोन नंबर है वो डालना है, नेक्स्ट एक ऑल्टरनेट फोन नंबर भी आपको यहाँ पर डालना होगा। आपको यहाँ पर जो डालना है वो है कहाँ से आपने खरीदे हो, मैंने खरीदा था अमेजोन से तो अमेजोन डाल लेंगे, आपने अगर कोई दूसरी जगह से खरीदे होंगे तो इस लिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाल सकते हो। ओके यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी जो है यहाँ से आपको
आपको स्मार्ट वॉच चूज कर लेना है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट का मॉडल नंबर। तो मेरा जो मॉडल था वो था फायरबोल्ट का टॉक 2। तो मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगा तो टॉक है, देख सकते हो यहाँ पर ये वाला है टॉक 2। ओके, सो मैं टॉक 2 सिलेक्ट कर लूंगा। आपका जो भी डिवाइस होगा वो लिस्टेड रहेगा, उससे आप सिलेक्ट कर लेना। कलर चूज करना है। ओके, सो मेरे पास जो था वो ब्लैक कलर का था, ब्लूटूथ कॉलिंग वाला ये वाला। यहाँ पर आपको रीजन चूज करना है किसी लिए आप ये कंप्लेंट कर रहे हो। तो मेरा जो दिक्कत था वो था स्पीकर का, स्पीकर उसका खराब हो गया था, डिवाइस साउंड इशू यहाँ पर चेक कर लूंगा। आपका चाहे कोई दूसरा इशू हो तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा वो लिस्ट। तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो। प्लीज मेंशन द इशू इन शॉर्ट, स्पीकर नॉट वर्किंग। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है, फीडबैक शेयर करना है एंड एक इनवॉइस का कॉपी डालना है। फीडबैक में आप सिंपली डाल सकते हो स्पीकर नॉट वर्किंग, एंड यहाँ पर आपको इनवॉइस का एक फाइल अटैच करना है। नाउ इनवॉइस का फाइल आपको कहाँ से मिलेगा हमें बता देता हूँ। जैसे अगर आप अमेजोन से परचेस किए हो या फिर फ्लिपकार्ट से परचेस किए हो, आपको सिंपली ऑर्डर्स में जाना है। यहाँ से जो भी डिवाइस आप परचेस कर रहे हो सिंपली वहाँ पर जाना है, एंड उसके बाद नीचे की तरफ डाउनलोड इनवॉइस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। सो यहाँ से जाके आपको सिंपली इसका इनवॉइस जो है डाउनलोड कर लेना है, एंड इस वाले फाइल को जो है अटैच कर देना है यहाँ पर अटैच फाइल में। ओके, तो देन आपका जो फाइल है वो अटैच हो जाएगा। तो मैं एक बार अटैच करके दिखा देता हूँ। ये वाला था मेरा इनवॉइस का कॉपी, देखिए ये अटैच हो गया है। ओके, सिंपल है, ऐसे जस्ट आपको अटैच कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर आईडी आपको डालना है। ऑर्डर आईडी आपको इनवॉइस में देखने के लिए मिल जाएगा, इनवॉइस से कॉपी करके आप सिंपली डाल देना। ओके, इनवॉइस नंबर भी आपको इनवॉइस में देखने के लिए मिलेगा, वो भी आपको डालना है, एंड डेट ऑफ परचेस, जिस दिन आपने उसे परचेस किया था इनवॉइस में जो डेट रहेगा वो डेट सिंपल आपको यहाँ पर डालना है। ओके, यहाँ पर इनवॉइस के अमाउंट डालना है, जो भी आपका इनवॉइस में अमाउंट रहेगा वो अमाउंट यहाँ पर डालना है। नेक्स्ट है क्वांटिटी, जितने भी परचेस किए थे, तो अगर आप एक परचेस किए तो एक लिख देना। कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर डालना है, जो भी एड्रेस आपका है वो वाला एड्रेस आप डाल लीजिएगा यहाँ पर। यहाँ पर एक लैंडमार्क भी दे दी। एंटर योर सिटी नेम करेक्टली, यहाँ पर आपको सिटी डालना है। यहाँ पर स्टेट चूज करना है, एंड यहाँ पर 6 डिजिट जो पिन है आपका, जिप कोड है वो आपको डालना है। उसके बाद पिकअप एड्रेस, एंड अगर डिलीवरी एड्रेस अगर सेम हो, मतलब जहाँ से आपका घड़ी पिकअप करने आएगा एंड जहाँ पर डिलीवरी होगा वो अगर सेम है तो इसको चेक कर देना। अगर नहीं है तो पिकअप के लिए अलग यहाँ पर एड्रेस आप डाल सकते हो। एंड सब कुछ हो जाने के बाद यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है, एंड उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर जाके सबमिट कर देना है। ओके, सबमिट करने के बाद कुछ आपको इस तरीके का चीज दिखेगा। चाहे तो यहाँ पर कुछ रिप्लाई कर सकते हो। रिप्लाई करने के लिए सिंपल आपको ईमेल एड्रेस टाइप करना होगा, रिप्लाई का मैसेज टाइप करना होगा। आपके पास कोई अटैच फाइल है तो फाइल अटैच कर देना, एंड यहाँ पर एड नोट कर देना। एंड उसके बाद जब भी आपका ये कंप्लेंट प्रोसेस होगा तब आपको यहाँ पर दिख जाएगा एजेंट वर्किंग ऑन दिस टिकट, एंड इसके रिगार्डिंग आपके पास एक मेल भी आएगा। यहाँ पर कंप्लेंट टाइप भी लिखा रहेगा, प्रोडक्ट मॉडल लिखा रहेगा, प्रोडक्ट नेम लिखा रहेगा। ओके, एंड यहाँ पर लिखा रहेगा वी विल रिव्यू योर कंप्लेंट रिक्वेस्ट एंड गेट बैक टू यू विद इन 2 वर्किंग डेज। ओके, 2 दिन के अंदर आपको कोई कंफर्मेशन और एक मेल आ जाएगा, डिवाइस डायरेक्टली आ जाता है एंड पिकअप करने के लिए भी आ जाता है। अगर डिले हो रहा है ज्यादा 7 दिन वेट कर लेना, एंड उसके बाद फिर आप और एक कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो। इसी रिगार्डिंग सेम प्रोसेस फॉलो करना है आपको, एंड आपको और एक कंप्लेंट लॉन्च कर देना है अगर ये काम ना करे तो। एंड इस वाले लिंक से जाके आप अपने कंप्लेंट का जो स्टेटस है वो स्टेटस देख सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पर पहले दिखाया आपको। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कोई भी डाउट रहे, सवाल रहे, सजेशन रहे, यू कैन राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।